हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपके सामने हनी बैठी हुई है और आप लोग ऐसी मैं घटना बताने जा रहे हैं। आप लोगों ने किताबों में पढ़ी होगी और टीवी में देखा होगा, लोगों के मुंह से भी सुना होगा, लेकिन मैं आपको रियल घटना बताने जा रही हूँ जो मेरे साथ हो चुका है। तो मेरा नाम हनी है, मैं फिर से बता दे रही हूँ, मेरा नाम हनी है, मैं रायबरेली में रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि आपसे ये बात शेयर करना बहुत जरूरी है और आप भी मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा पूरा, ये रियल है पूरी। तो मैं रहती थी किराए के मकान में, फैमिली मेरी पूरी रहती है किराए के मकान में। तो वहां से ये हुआ कि हम लोगों को मकान काफी ज्यादा ढूंढना पड़ा। तो ये था कि मकान जब ढूंढे थे, एक लोगों ने मुझे एक मकान बताया, उन्होंने कहा कि मकान बहुत अच्छा है और उसमें मान के चलिए कि पूरा घर था, पूरा ऊपर से नीचे तक बना था और रूम रहे होंगे उसमें कम से कम 12 कमरे थे। और 12 कमरों में आप यकीन नहीं करोगे, सिर्फ 2 कमरे थे जिनमें ताला लगा था, बाकी कमरे पूरे खुले थे। और उस मकान को मैं, मतलब उन्होंने जिन्होंने दिखाया, उन्होंने कहा चाबी भी है मेरे पास और मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने कहा चलो भाई, सब लोग घर में, मेरे भी घर में सब लोग बोले कि चलो देख लो चल के। तो सबसे पहले तो मम्मी गई थी, मम्मी देखने गई। तो मम्मी देख के जब वहाँ आई तो मम्मी ने बताया पूरी कि वहाँ पे जैसे कोई घर छोड़ के भागता है ना, तो सारा सामान रह जाता है घर में। वहां का सीन वैसा था कि जैसे बर्तन आप धुल रहे हो, बर्तन धुलने के बाद आप करते क्या हो कि आधा बर्तन धोया और आधा मंजना छोड़ के आप बर्तन छोड़ के भागो, वैसा था कि बाथरूम में, मतलब बाथरूम में बर्तन धो रहा था, किचन में नहीं। तो बाथरूम उन्होंने बर्तन रख रखा था और आधा टब पूरा पानी से भरा हुआ था, सारे बर्तन पानी से भरे हुए थे वो। और दूसरा किचन में ताला लगा हुआ था और बाकी जो रूम थे तो उसमें एक रूम था जिसमें मान चले कि उस रूम में जैसे खोदा नहीं जाता था, सिर्फ खुदा था और उसमें दिया जैसे जलाते, तो पूरा पहले जमाने में पहले लोगों के ऐसे करके नहीं बना रहता था, आरा कहते हैं उसको, वो बना था जैसे हम लोग अलमारी कहते हैं वैसे आरा उसको बोलते। तो उसमें वो ऐसे करके था, उसमें दिया रखा था और दिया में जैसे जलाओ तो ऊपर का ब्लैक ब्लैक हो जाता, वैसे दिया बंद था, मतलब वो जल रहा था, जला हुआ, मतलब लग रहा था कि कुछ जला है वहां पे, दिया रखा था। अब उसके बाद वहां पे कुदाल पड़ी हुई थी, मम्मी ने सब बताया कि, और वहां छत पे जैसे भगवान छोड़ के कोई भाग जाए कि पूरा, मतलब मान लीजिए पूरा जैसे लग रहा था घर छोड़ के आप भाग जाओ, वैसे पूरा सीन था एकदम। मैं सही बता रही कसम से, मेरे तो मम्मी ने जब बताया कहा चलो देखाओ चल के, सब लोग देख के आते हैं। तो मैं, बाबा ने मेरे बोला कि जाओ देख के आओ, तो मम्मी ने बोला मैं तो नहीं लूंगी। तो ये था कि हमारे डैडी सब लोग डरते, तो ये हुआ था डैडी जो डिसीजन करेंगे वही होगा। तो फिर हम लोगों ने कहा चलो ठीक है देख के आते हैं। फिर हम मम्मी और भाई दीदी सब लोग गए देखने, बड़े वाले भैया, बड़ी दीदी और सब लोग गए, भाई छोटा गया, मम्मी गई, सब लोग गए, बाबा नहीं गए। बाबा ने बोला तुम लोग फाइनल कर दो तो वो फाइनल होगा। हम लोगों ने कहा ठीक है। अब जब मैं अंदर गई हूँ ना, सब लोग वहां पे जीने पे जब चढ़े हैं ना, चैनल लगा था, जब अंदर गए चैनल के अंदर जब गए तो मैंने देखा कि वहां पे जैसे पीकदान जो पहले रहे चलते थे इतने बड़े बड़े, वो पीकदान गिरा पड़ा, बिल्कुल नई अलमारी, ब्रांड न्यू अलमारी रखी थी, आप बता रहे हैं ब्रांड न्यू अलमारी। और उस अलमारी में मतलब सामान, सारा सामान रखा था, जो इंसान था वो कोई सामान लेके गया ही नहीं था, वो सारा सामान। तो हम लोगों ने उनसे ये भी पूछा कि आप अगर रेंट पे दे रहे हो तो यहाँ पे तो सारा सामान रखा है, तो हम लोग कैसे रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि अरे जिनका मकान है उन लोगों को कोई दिक्कत होगी, तो इसलिए वो लोग बोले कि पहले मकान किराए पे उठाओ, अगर कोई लेता तो मैं उसको मतलब ले जाऊंगा सामान। हम लोगों ने बोला ठीक है। अब जब मैं ऊपर जब गई तो वहां पे देखा जाल जो होता आंगन वाला, उसमें ईंटे बिछे थे और चूड़ियां इतनी बड़ी थी, मतलब आप मान चलो कि उसमें सब कुछ था। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि आखिर कोई सामान छोड़ के क्यों जाएगा, अगर मान लीजिए कोई जाएगा तो बर्तन आधे छोड़ के कैसे कोई भाग जाएगा। दूसरा पानी कैसे भरा था पूरा टब में, पानी भी भरा पूरा टब में। तीसरी चीज किचन में कोई लॉक नहीं लगाएगा, नीचे के 2 कमरों में लॉक लगा था और 1 कमरे में कुदाल पड़ी थी और इतना बड़ा गहरा गड्ढा कर रखा था। बाद में मुझे ये पता चला कि इस मकान में कोई रहता है और रात को 12 बजे वहां पे, मैं तो भैया
डर गई, सही बता रहे, मैं बताते बताते डर गई। उसके बाद उसमें बताते रात में कोई, हमने तो सुना था कि मतलब सही बताऊं ना, मुझे भी पहले ये था कि ये सब झूठ होता है, लेकिन उसने जब बताया, जो बगल घर के जस्ट बगल में घर है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे रात को 12 बजे पायल की आवाज आती, छन 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 की आवाज आती है रात को 12 बजे, और इस मकान में कोई एक दिन से ज्यादा टिक नहीं पाया है। तो हम लोगों ने उसे कहा, उन्होंने कहा कि मुझे मत बताइएगा, नहीं तो मेरा घर, मतलब वो कहेंगे कि आप मेरे घर बदनाम कर रही हैं, और जिनका घर था उनको भी नहीं फला, वो इसीलिए भाग के छोड़ के, रात में ऐसा उनके साथ हुआ कि वो पूरा सामान छोड़ के भाग गए। अब हम लोग वहां से आने के बाद पता चला कि यहाँ पे सब लोग कहेगा ऐसा है, मैं तो नहीं जाऊंगी वहां पे, सब लोग भैया घर में डैडी गुस्सा आने लगे, तुम लोग ऐसे है, ये कुछ नहीं होता, वो नहीं, डैडी तो गए नहीं थे, मम्मी सब लोग, हम लोग गए थे, बाबा थे, बाबा गए नहीं थे, बाबा घर में थे। अब हम लोगों ने सोचा कि कैसे क्या करें कि उस घर में हम लोग ना जा पाए। फिर जो मान के चलिए उस घर की जब चाबी जितने दिन मेरे घर में थी, उतने घर उतने दिन मेरे घर में, मतलब मान चलिए कि कोई ना कोई बीमार रहता था, वो चाबी मैंने, मतलब मेरे घर में डैडी ने मेरे बोला कि इस चाबी को अब दे दो जिसकी भी है, सही भी हो सकता हो ऐसा हो। और जब पता किया गया तो सही घटना थी वो, कि वहां पे कोई एक कांड हुआ था कि किसी ने किसी को मार वार दिया हो, जो भी हो, उसके बाद उस मकान में आज तक कोई टिक नहीं पाया, उसकी आत्मा अभी भी वहां पे भटक रही है जो भी है। इसलिए मैंने कान पकड़ लिया कि मैं आज से किराए के मकान जाऊंगी, लेकिन बिना परिचय बिना पूछे नहीं जाऊंगी, कोई अगर कह दे, और उन्होंने बोल रखा मैं ये